हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है, आज से तकरीबन 7 मिलियन साल पहले प्लाइस्टोसीन पीरियड के जस्ट पहले जब पृथ्वी एक न्यू आइस एज की ओर बढ़ रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से हम इंसान धरती पे आ टपके। आइस एज की वजह से हम पृथ्वी पर कैसे आए? आइस एज मतलब बर्बादी, राइट? तो इंसानों का जन्म कैसे हुआ? वेल, जब पृथ्वी का तापमान ड्रॉप हो रहा था, तब अफ्रीका के गर्मी और उमस यानी कि ह्यूमिडिटी से भरे घने जंगल धीरे धीरे ठंडे और सूखे पड़ने लगे। इससे बड़े पेड़ों की तादाद घटने लगी और उनकी जगह ले ली घास ने। यानी अब तक जो बंदर प्रजातियां ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर गुलाटियां मार रहे थे, उनसे उनका प्लेग्राउंड ही छीन गया और उनमें से कुछ दो पैरों पर चलने के लिए मजबूर हो गए। अब इसे नेचुरल सिलेक्शन कह लो या कुछ और, लेकिन यही वो समय था जब इंसानों के पूर्वज यानी होमोनिड बाकी बंदर प्रजातियों से अलग हुए और होमो सेपियंस यानी हम बने। लेकिन ये स्प्लिटिंग हुई थी कुछ 7 मिलियन साल पहले और होमो सेपियंस आए महज 3 लाख साल पहले। तो बीच के 6.7 मिलियन ईयर्स यानी 67 लाख ईयर्स के दौरान क्या हुआ? Well, इस सदी को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, कि इतिहास से पहले। और आज का ये वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड है कि हिस्ट्री शुरू होने से पहले क्या हुआ था। सो लेट्स अनरैवल द मिस्ट्री इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड ह्यूमन ओरिजिन, व्हाट हैपेंड बिफोर हिस्ट्री। आज से तकरीबन 7 मिलियन साल पहले होमोनिड्स मॉडर्न बंदरों के पूर्वजों से अलग हुए। तब होमोनिड ट्राइब के जो सबसे पहले जीव उभर के आए ना, वो थे सहेलांथ्रोपस, जो कई मिलियन सालों तक ऑलमोस्ट बंदरों जैसे ही दिखते थे और बस नए क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के साथ मांडवली करके जीते थे। पर आखिर ऐसा कब तक चलता? समय के साथ ढलना जरूरी होता है और इसीलिए तकरीबन 6 मिलियन साल पहले सहेलांथ्रोपस किसी पेड़ के ब्रांचेस की तरह अलग अलग दिशाओं में इवॉल्व हुए। और होमोनिड ट्राइब के अन्य जेनेरा जैसे आर्डिपिथिकस जो 5.8 से 4.3 मिलियन ईयर्स पहले, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो 4.2 मिलियन से 1.78 मिलियन ईयर्स पहले, पैरेंथोपस जो 2.7 से 1.2 मिलियन ईयर्स पहले और होमो जो 2.4 मिलियन से अभी तक प्रेजेंट है, इन स्पीशीज में तब्दील हुए। अब वैसे तो सभी जेनेरा इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए थे, मगर इनके चेहरों को देखकर कोई भी ये साफ अंदाजा लगा सकता है कि समय के साथ उनके फेस के मुकाबले स्कल बड़ा हो रहा था, जिसका मतलब ये था यस, उनके भेजे बढ़ रहे थे, इंटेलिजेंस बढ़ रही थी, कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट बढ़ रहा था। लेकिन जब भेजा सबका बढ़ रहा था, तो इन सभी जेनेरा में से सिर्फ जीनस होमो ही कैसे जिंदा बच पाया? Well, ऐसे कई सारे सवालों का जवाब मुझे पर्सनली मिला अपने रिसर्च में सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बुक के थ्रू। और ये बुक मैंने आपको पहले भी काफी रेकमेंड किया है, अगर आपको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जानना है फ्रॉम ऑल द वे कि हम बंदरों से कैसे इवॉल्व हुए अभी तक, एज इन मॉडर्न सोशल एनिमल्स तक, और बीच में क्या क्या स्टेजेस से हम गुजरे हैं, यू नो, कैसे हमारे ब्रेन का एवोल्यूशन हुआ, यानी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से लेकर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और डिजिटल रेवोल्यूशन, ये सब इस किताब में मौजूद है। और मजे की बात तो ये है कि ये किताब आपको कुकू FM में मिल जाएगा, जहां पे आपको इसको रीड करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसे सुन सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में इन वन ऑफ योर फेवरेट लैंग्वेजेस। और आपको एक और एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि इस ऐप में सिर्फ यही एक बुक नहीं है, बल्कि आपको सारे नॉलेज जॉनर्स, इसकी फाइनेंशियल नॉलेज, मोटिवेशन, मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, लीडरशिप एटसेट्रा के भी बुक्स मिलेंगे, इवन एकेडमिक्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा। और आपके हिसाब से इन सब की क्या कीमत होनी चाहिए? Well, कोई भी कैलकुलेशन आप यूज कर लो, बट 199 रुपीज से तो बहुत ज्यादा हो। सिर्फ 199 में आप परचेस कर सकते हो। आपको बस ये कोड एंटर करना है 1050 करके और आपको 50% ऑफ मिल जाएगा दशहरा की खुशी में। अब ये ऐप पर्सनली मेरा काफी टाइम बचाता है, क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग करते हुए इसे कान में लगा के सीधा सुन सकता हूँ और इससे रीडिंग हैबिट भी कल्टिवेट होती है और आपको न्यू नॉलेज गेन करने की जिज्ञासा भी बढ़ती है। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड दिस ऐप नाउ एंड स्टार्ट लर्निंग विद कुकू FM। खैर, अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। एवोल्यूशन के दौरान जब नेचर द्वारा होमोनिड्स का भेजा उनके स्कल की सीमाओं के बाहर जा रहा था, तब जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के स्पीशीज सबसे आगे थे। ये इतने होशियार थे कि 3.3 मिलियन ईयर्स पहले शिकार करने के लिए पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी, अपने बंदरों जैसे छोटे पैर और अपने बनाए काफी बेसिक स्टोन टूल से वो इतने अच्छे से शिकार नहीं कर पाते थे। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उनके दिमाग पर ऊपर वाले का
दबाव आया कि भाई दिमाग लगा वरना ऊपर बुला लूंगा, टाइम खोटी मत कर। ये सुनते ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। इसीलिए उन्होंने अपने पूरे एवोल्यूशन के दौरान अपने स्टोन टूल्स को इम्प्रूव किया, शिकार में महारती हासिल की और पेट भर के नॉनवेज खाया। अब आप ही बोलो यार, मानुस इतना ज्यादा नॉनवेज खाएगा और उसके लिए ऐसे येड़े माफिक मेहनत करेगा तो उसका दिमाग बड़ा नहीं होगा क्या? मूंगफली के माफिक छोटा थोड़ी ना होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज के दिमाग उनके फेस के मुकाबले अब ज्यादा जगह घेरने लगे और उनमें से कुछ देखते ही देखते आज से तकरीबन 2.4 मिलियन ईयर्स पहले वो जीनस होमो में तब्दील होने लगे। उस समय जीनस होमो का खाता खुला होमो हैबिलिस नाम के स्पीशीज ने, जो इतने होशियार थे कि पत्थरों को ज्यादा बेहतर तरीके से शेप करके अपनी हंटिंग टेक्निक को और भी ज्यादा घातक बना चुके थे। घुसाए पत्थर उसके पेट में, लेकिन होमो के ही अंदर एक और एक ऐसी स्पीशी भी थी जो अलग ही लेवल पर चल रही थी। इस स्पीशीज का नाम था होमो इरेक्टस। आज से तकरीबन 1.8 मिलियन ईयर्स पहले होमो इरेक्टस वो पहला होमो स्पीशी बना जो सीधा खड़े रह सकता था और असल मायने में दो पैरों पर चल सकता था, अनलाइक हैबिलिस जो अब तक झुक के चला करते थे। पर इरेक्टस की सिर्फ यही एक खासियत नहीं थी, यही वो स्पीशी भी थी जिसने तकरीबन 1 से 2 बिलियन साल पहले आग यानी कि फायर को कंट्रोल करना सीख लिया था, जिसका मतलब अब ये भी है कि वो अपने शिकार को कच्चा खाने की बजाय तंदूर में रोस्ट करके खाते थे बटर नान के साथ। जो पता चलते ही आप मानोगे नहीं, देखते ही देखते होमो इरेक्टस की ये यूनिक कुकिंग स्किल्स उनके नॉट सो डिजिटल सोशल नेटवर्क पर वायरल होने लगी और आग आने वाले सभी होमो स्पीशीज को खाना पका के खाने का चस्का लग गया। अब ऐसा करने से खाने का स्वाद बढ़ा या नहीं ये तो नहीं पता, मगर आज हम दावे के साथ ये जरूर कह सकते हैं कि इसके कारण उनके दिमाग का साइज और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मांस से मिलते थे ढेर सारे प्रोटीन्स जो एनिमल ओरिजिन के ही होने की वजह से प्लांट प्रोटीन्स के मुकाबले बॉडी में ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होते थे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो इसके बाद क्या हुआ होगा? Well, you guessed it right. तकरीबन 300 से 400 हजार साल पहले एवोल्यूशन से दो सबसे होशियार होमो स्पीशीज उभर कर सामने आए, होमो नियांडरथालेंसिस और होमो सेपियंस। ये दोनों स्पीशीज मॉडर्न ह्यूमंस की तरह काफी क्यूरियस थे, इसीलिए अब साउथ अफ्रीका के छोटे से इलाके में रहना इन्हें गवारा नहीं था। इन्होंने तकरीबन 80 से 100,000 साल पहले अफ्रीका के अन्य इलाकों में और उसके बाहर के इलाकों में कदम रखना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया भर में फैल गए। लेकिन अगर एक अननोन टेरिटरी में कदम रखना होता है तो वहाँ बहुत सारी कठिनाई झेलनी पड़ सकती है। जंगली जानवरों का खतरा, शिकार मिलेगा या नहीं अनसर्टेनिटी और ऐसा बहुत बहुत कुछ। तो आखिर इसका सलूशन क्या निकाला जाए, ये सवाल उन्हें दिन रात सता रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो खतरनाक जानवर सामने आ गया तो उनका शिकार कैसे करेंगे और अगर शिकार मिला ही नहीं तो खाना कहां से लाएंगे। जो सोचते सोचते आखिर में उनका हथियारों की तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने स्टोन टूल्स की नोक को और भी ज्यादा तेज करना शुरू कर दिया और उन्हें लकड़ी या हड्डियों से बांधकर भाले की तरह इस्तेमाल करने लगे। साथ ही उन्होंने कुछ पत्थरों को रेक्टेंगुलर धारदार चाकू की तरह भी शेप करना शुरू कर दिया, जिससे अब वो किसी जानवर को सिर्फ मार ही नहीं सकते थे बल्कि उसके मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी सकते थे। और ऐसा करने से शिकार को दूर दूर तक ले जाने में भी आसानी होती थी और अन्य जानवरों से उसे छुपाए रखने में भी। लेकिन क्या सिर्फ हथियारों को मॉडिफाई करना ही काफी था? हिरन जैसे जानवर जो उस वक्त के होमोनिड्स के मुख्य खुराक हुआ करते थे वो काफी तेज थे और उन्हें पकड़ने के लिए जरूरी था टीम वर्क। पर टीम वर्क तो सिर्फ तभी ही डेवलप हो सकता है ना जब लोग आपस में किसी माध्यम से कम्युनिकेट कर पाए, कनेक्टेड हो। इसी नीड के चलते तकरीबन 4 से 50 हजार साल पहले लैंग्वेजेस का निर्माण हुआ, जो आप समझ सकते हो, जो आप अनुमान लगा सकते हो कि आज जितनी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करती थी मगर शिकार के दौरान एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए काफी थी। पर फिर हुआ कुछ ऐसा जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। आज से तकरीबन 30,000 साल पहले नियंडरथल्स अचानक से विलुप्त हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ इसके ऊपर अभी भी खोजें जारी है, पर इस वक्त के बाद सिर्फ एक ही होमो स्पीशीज बच गई थी और वो थे हम होमो सेपियंस। और रुको, अभी से तालियां बजाना शुरू मत करो, क्योंकि इनके नसीब में भी अभी बहुत कुछ कांड होने बाकी थे। नियंडरथल्स के विलुप्त होने के कुछ हजार साल बाद पृथ्वी पर एक मिनी आइस एज आया जो ऑलमोस्ट आज से 15,000 साल पहले तक जारी था। अब क्योंकि सेपियंस को उनके पूर्वजों ने आग जलाना सिखाया था इसीलिए उन्हें इस आइस एज को झेलने में कोई खास तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन आइस एज के दौरान हुई खाने की कमी ने उन्हें एक इम्पोर्टेंट चीज जरूर सिखा दी, शिकार पे जाने के बाद खाना मिलेगा या नहीं।
होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, और इसीलिए इस अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए तकरीबन 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर की परंपरा शुरू हुई, और इससे अब वो खाने की जरूरत को पूरा करने के अलावा और चीजों पर भी फोकस कर सकते थे, जिससे मॉडर्नाइजेशन फास्ट हो गया। और तकरीबन 5,000 साल पहले चीजों को स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए गड्ढे बनाए जाने लगे, जिन्हें बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील्स इजाद किया गया, और फिर उसे ही बैलगाड़ी में फिट करके ट्रांसपोर्ट का जुगाड़ सामने आया, यानी व्हील इन्वेंट हुआ। लेकिन उनके दिमाग की गाड़ी अब पृथ्वी के बाहर भी बढ़ना चाहती थी, और इसीलिए 2,500 साल पहले लोग एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट लेने लगे, और फिर 1760 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इस बैलगाड़ी के बैल हट गए और उनकी जगह ले ली स्टीम इंजन ने, जिसने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। अब फ्रेंड्स, इस पूरे सफर में हमने ये तो डिस्कस किया कि क्या हुआ हमारे हिस्ट्री के पहले, लेकिन अगर आप ऐसे ही स्टोरी वाइज सीरीज चाहते हो प्लैनेट के बनने से लेकर अब तक के हुए इवेंट्स की या डायनासोर एज की, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना इसके बारे में, और मैं आगे वो सीरीज आपके लिए बिल्कुल लाना चाहूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, कैंसर फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको, और कुकू FM ऐप को अभी इंस्टॉल कर लो, क्योंकि इसमें आपको बेस्ट बुक सुनने मिलेगा सस्ते ईयरली सब्सक्रिप्शन में। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!